हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो जुड़ी हुई है पेटीएम के साथ। गूगल ने पेटीएम को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है और कारण दिया है कि वो लोग जो एक गेम को प्रमोट करते हैं जिनका नाम है पेटीएम फर्स्ट, जो एक ऑनलाइन गेमिंग का उनका प्लेटफॉर्म है, वो बेटिंग को प्रमोट करता है, यानी कि जुआ को प्रमोट करता है। और गूगल की पॉलिसी के हिसाब से वो किसी भी चीज को अपना प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं जो बेटिंग या फिर कैसीनो को प्रमोट कर रहा हो। और इस बीच में पेटीएम ने भी एक अपडेट जारी किया है। उन्होंने बोला है जिन लोगों के भी हमारे पेटीएम अकाउंट हैं या पैसे डाले हुए हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके पैसे और सब कुछ सुरक्षित है, हम गूगल से बात कर रहे हैं इस चीज का जल्द ही निपटारा निकालने के लिए। और फिर यहां पर ये बताना चाहेंगे कि जो आईपीएल को जो मेन स्पॉन्सर है ड्रीम इलेवन, वो भी इन विवादों से गुजर सकता है क्योंकि वो भी एक फैंटेसी गेम है और फैंटेसी गेम जैसी चीजों को गूगल पुश नहीं करता है। यहां पर एक और चीज बताना चाहेंगे कि अभी तो फिलहाल अगर आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना है तो आप पेटीएम से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आईएएस यूजर्स हैं वो इस ऐप को अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पेटीएम का ऐप है वो खाली प्ले स्टोर से हटाया गया है, आईओएस स्टोर से नहीं। आपको यहां पर एक और अपडेट दे देते हैं। जो पेटीएम का एक और ऐप है जो है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उसको भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है टाटा स्काई के साथ। टाटा स्काई के जो सेट टॉप बॉक्सेस होते हैं जिन्हें टाटा स्काई बिंच प्लस कहते हैं, उनका दाम कम कर दिया है कंपनी ने। अब ये आपको मिल जाएंगे ₹2,999। यहां पर आपको ये बता दें कि थोड़े टाइम पहले ही इसके प्राइस कम किए गए थे और इनका प्राइस हो गया था ₹3,999। और ये जो बॉक्स है एक्चुअल में जब ओरिजिनल में लॉन्च हुए थे तब इनका दाम था ₹5,999। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मूव इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बाकी एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस मार्केट में आगे हैं उनसे कंपीट करने के लिए, ताकि कस्टमर बेस जो इनका है, ताकि जो इनका कस्टमर बेस है वो कहीं ज्यादा कम ना हो जाए। मोटोरोला मोटो ई प्लस, ये डिवाइस भारत में 23 सितंबर को होने वाला है लॉन्च। और अगर इस फोन के मेन स्पेक्स की बात कर लें, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी। रियर में इसमें डबल कैमरा सेटअप है 48+2 और फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा और इस वाले फोन में आपको मिलती है 6.5 इंच का डिस्प्ले। कुछ समय पहले मोटोरोला ने अपना मोटो रेजर भारत में लॉन्च किया था जो उनका फोल्डेबल स्मार्टफोन था और उसका दाम रखा गया था ₹1,24,999 और अब कंपनी ने क्या किया है, इसका दाम कम कर दिया है ₹30,000 से और अब ये मैं आपको मिल जाएगा ₹94,999। तो अगर आपका 1,00,000 तक का किसी फोन के लिए बजट है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि इस टाइम पे भारत की मैक्सिमम जनता 15,000 से 25,000 की रेंज में फोन देख रहे होंगे और देख रहे होंगे इसमें कौन सा डिवाइस होगा जिसमें उनको वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन मिलेगा। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है एप्पल के साथ। आज एप्पल ने एक अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने कहा है कि जो एप्पल स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वो भारत में लॉन्च हो जाएगा 23 सितंबर को। इस स्टोर में फायदे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बाहर ही मिलती हैं, पर यहां पर जो फायदा हो सकता है, अगर आप चाहे तो कस्टम पीसीज बनवा सकते हैं, लैपटॉप बनवा सकते हैं, लेकिन उनका दाम बहुत ज्यादा होता है। और उसके अलावा स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेंगे जो कि एक्चुअली बाकी जगहों पर ही मिलते हैं, बाकी स्टोर से मिलते हैं, यहां पर वो भी मिलेगा और साथ ही साथ कस्टमर को थोड़ी बेटर सर्विस मिलेगी। अब तो देखने वाली बात है कि जब ये स्टोर लॉन्च होगा तो एक्चुअल में क्या क्या इसके फायदे होंगे, क्या प्राइस में काफी डिफरेंस होगा जो बाकी स्टोर्स ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और एक बार क्रोमा में या कहीं पर भी चले जाइए और वहां पर आप नेगोशिएशन करते हैं, जो एमआरपी लिखी होती है कि 90,000 का प्रोडक्ट है या 70,000 का है, अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग करें तो 10-15,000 रुपए कम करवा सकते हैं। तो अब देखना है कि एप्पल 23 तारीख को कौन कौन से नए ऑफर्स लाता है और क्या वो एकदम यूनिक ऑफर्स होते हैं कि नहीं। हमारी अगली खबर जुड़ी है व्हाट्सएप के साथ। अगर आप व्हाट्सएप को अपने डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, यानी कि वेब क्लाइंट को web.whatsapp.com करके यूज करते हैं, तो एक चीज है जिसपे इस टाइम व्हाट्सएप काम कर रहा है और वो उसमें फिंगरप्रिंट टेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप वेब वर्जन में भी अपना व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ऑथेंटिकेशन अपने मोबाइल पे करनी पड़ेगी फिंगरप्रिंट से। तो इससे बेसिकली क्या होगा, सिक्योरिटी एक लेवल और सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो क्यूआर कोड है, जो अभी क्यूआर कोड का सिस्टम
चल रहा है कि अपने फोन से QR कोड स्कैन करना होता है, जैसे आप डेस्कटॉप पे खोलते हैं फिर आप मोबाइल को पॉइंट करते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, तो फिर अटैच होता है, वो वाला सिस्टम कंटिन्यू रहेगा या हट जाएगा। और अभी तक इस बारे में भी कोई क्लियर कट जानकारी नहीं है कि ये फीचर कब होगा इंप्लीमेंट, क्योंकि ऑफलेट बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं व्हाट्सएप में, लेकिन अभी तक उनका जो रोल आउट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप शेयर नहीं है। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है फेसबुक के साथ। फेसबुक पे एक कंज्यूमर ने आरोप लगाया है कि वो इंस्टाग्राम का कैमरा यूज कर रहा है लोगों की पर्सनल डिटेल्स और पिक्चर्स को यूज करने के लिए। वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम का कैमरा ऑन कर देता है। ये जो कंज्यूमर है इसने ऑलरेडी एक केस फाइल कर चुका है US में। अब देखने वाली बात है कि ये जो केस है ये क्या रुख लेता है, और जो आरोप लगाए गए हैं फेसबुक पे कि वो कैमरा यूज कर रहा है इंस्टाग्राम का डेटा कलेक्ट करने के लिए, ये सही साबित होते हैं या फिर गलत। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है LG के साथ। LG एक के बाद एक नए फोन लॉन्च कर रहा है, भारत में तो नहीं लेकिन बाहर की कंट्रीज में। और अभी एक और अपडेट आ चुकी है, हम लोग ने एक नया फोन लॉन्च किया है LG Q31, और ये उन्होंने अपनी होम कंट्री साउथ कोरिया में लॉन्च किया है। इस फोन का जो कन्वर्टेड प्राइस बनके आ रहा है वो बनके आ रहा है 13,150 रुपए, और ये फोन है 3GB रैम वेरियंट में लॉन्च हुआ है, और ये जो फोन है ये बेस्ड है मीडियाटेक हीलियो B22 चिपसेट पे। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से LG भारतीय मार्केट में काफी शांत बैठा हुआ है, और एक और चीज है जो काफी परेशान करती है कि LG जो भी अपने अच्छे अच्छे फोन लॉन्च करता है, जिन फोनों में एक्चुअली काफी दम होता है और लोग उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो भारतीय मार्केट में आते आते बहुत समय ले लेते हैं, और तब तक लोगों का उस फोन में इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज की न्यूज फटाफट में। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।